क्या सोच रहे हो सर? WWE खिलाने का प्लान है क्या? देखो बोले मेंस फिजिक में तो कुछ हो रहा नहीं इसका। WWE खिला देता हूँ, वहाँ देख रहे। सोचना और फिर बोलना। मैं अभी दो चीज़ों के बीच में कंफ्यूज हूँ। एक तो अपनी चल रही ऑफ सीजन और इम्प्रूवमेंट हर वीक दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा। दिख रहा है ना? हाँ हाँ बोले ना, सच्ची बोलना, हाँ बोले ना, दिख रहा है। लेकिन अभी क्या ना, मन में लड्डू फूटा, शो के लिस्ट आउट हुई। जैसे आपने लास्ट टाइम मेरे को बोला 12 हफ्ते में रेडी हो जाएगा, तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई। तो अब दो चीज़ के बीच में कन्फ्यूज़ हूँ। एक कन्फ्यूजन ये है कि कॉन्टेस्ट पर अब चालू कर दूँ, और दूसरा कन्फ्यूजन ये है कि अच्छा ऑफ सीजन लूँ और थोड़ा काम धंधे पे ध्यान दे दूँ। तो मैं कन्फ्यूज हूँ, दोनों दिल कर रहा है। एक दिल ये भी कर रहा है, एक दिल वो भी कर रहा है। अब दिल है कि मानता नहीं। चलो आज के समाचार चालू करते। हेलो, कैसे हो आप? ऐसे क्यों देख रहे? समाचार ही है। हमारे समाचार होते हैं कितने सेट, कितने रैप, कितना ग्रोथ विथ आर न्यू, ओहो मैजिक निकलता है ऐसा खोलो तो, विथ आर न्यू प्री वर्कआउट, जिसको बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी है इसका। मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि इसके अंदर हर वो चीज़ है जो एक प्री वर्कआउट में होना ज़रूरी है, लाजिम है। और अगर आप बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो या फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो, तो प्लीज़ एक स्कूप से ज़्यादा मत ट्राई करना। अभी आपने देखा मैंने एक स्कूप और थोड़ा सा लिया, क्योंकि मुझे भी एक सवा स्कूप के अंदर काम हो जाता है। तो लीजिए, पीजिए और इन्जॉय कीजिए। मजे ले लेके पीने का इतना अच्छा फ्लेवर है, एक घूंट में पी लोगे मजे कैसा आएगा? पूरा बॉडी टाइट पड़ा है, चेस्ट, और कल जो लेग्स मराए थे ना तुमने, मसाज करा क्या? मसाज करा पहले, वो थोड़ा सा कम तो हो, परसों चेस्ट मारा था, ऐसा ऐसा आंग लगा रहा तो डक हो रहा, मसाज वाला आएगा तो मरी जाऊंगा मैं। ये फ्लैट बात, जितना एनर्जी होता है ना काप्स खा के, उतना नींद भी आता है। क्या लॉजिक है ना, जब खाने मिलता है तो खाया नहीं जाता है, और जब नहीं खाया खाने मिलता है तो भूख पे भूख लगती है। कुछ बीच का रास्ता निकालो सागर सर, समथिंग इन सेंटर, कुछ सोचो। तुम्हारा इंजीनियर वाला दिमाग लगाओ, तुम्हारा दिमाग कायम है, इसके लिए तुमको वर्कआउट के लिए लिया मैंने, क्योंकि मेरे को पता है ये आदमी बेस्ट है इस ये काम में। बहुत सारे लोग ये समझते नहीं है कि हर किसी की एक स्पेशलिटी रहती है। अब पेट में दर्द हो रहा है तो कान के डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगे, सही बात है ना? लेकिन लोग ये समझते नहीं है। लोग बोलते अरे ये है, इसको सब आता है, इसको नहीं तो मुझे सब आता है। काश अगर मैं भी ऐसा समझता, मेरे भी महीने के लाख दो लाख बच जाते। ये सवाल है नीरज का, इधर आ। नीरज का पूछना है तो ये लोग का भी फायदा हो जाएगा ना, कि बाइसेप ट्राइसेप के अंदर बाइसेप पहले क्यों मरवाते हो आप? ए कहानी कसाला, कसाला मैं मराठी सीखर हूँ, सिद्धेश मुझे सिखाया, कसाला बोलते ना, कशाला, कशाला मारते बाइसेप, नंतर ट्राइसेप है ना, छोटा है बाइसेप, छोटा मसल है तो ट्राइसेप बहुत बड़ा है, कंपैरेटिवली बाइसेप से तो छोटा बड़ा ही है। बस यही लॉजिक, यही रीजन। छोटे छोटे सवाल पूछते रहता है सर का टाइम बर्बाद किया। फोरआर्म्स कौन मारता है सवाल? फोरआर्म्स मारते हैं ना, फोरआर्म्स मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आइसोटोनिकली इतना मेहनत कर पाते थे वजन उठा उठा के आदमी, कि फोरआर्म ऐसे ही पड़ जाते हैं।
मुझे नहीं याद है कि मैंने कब फोर आर्म्स मारे थे। हर वर्कआउट में ना तेरा बाइसेप इन्वॉल्व होता है, बाइसेप ट्राइसेप इन्वॉल्व होता है। जैसे तू शोल्डर मार रहा है, इसमें बाइसेप हो रहा है, बैक मार रहा है, इसमें हो रहा है, उसके बाद में चेस्ट प्रेस मार रहा है, उसमें हो रहा है। तो बाइसेप का जैसे को ज़्यादा नहीं तोड़ते ऐसा बोलते हैं तो, लेकिन पुशअप मारने में भी तो होता है, पुशअप मारने में ट्राइसेप होता है। नहीं तो घर पे जो पुशअप मारता होगा, ये किसी के घर पे? सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार, इसमें तो ट्राइसेप बाइसेप चेस्ट सब होता है। रोज मारता ये झूठ था। अच्छा होगा, मेरे से अच्छा नहीं है। हाँ अरे सर अच्छा है, इसके लिए तो उधर पे खड़ा है ना। मैं तो ऐसे ही मस्ती में बोल रहा हूँ कि पानी है, ये है, वो है। वो कमेंट्री देते ना लोग, अरे इसका बॉडी ऐसा है, उसका बॉडी ऐसा है, वो अच्छा नहीं होता तो वहाँ पे क्या झक मरा रहा है? लोग अपना कमेंट करते किसी के लिए पोस्ट। हाँ अपना खुद का नहीं देखते पहले से? अरे खुद का देखेंगे, दूसरे का देखते तो आँखों पर पर्दा आ जाता ना, तो खुद का देखने का वक्त ही नहीं मिलता है। ध्यान छोड़ते रहते हैं। सही बात। अरे पहले खुद को कुछ कर। कुछ नहीं कर रहे तो कम से कम सागर माली से आगे ट्रेनिंग ही ले ले। नहीं मेरे से मत ले भाई, मैं ऐसे लोगों को सिखाता भी नहीं। क्या बात कर रहे हो सर, मुझे सब अंदर की रिपोर्ट है। तुम दो चार एथलीट को बिना क्रेडिट के ट्रेन कर रहे हो, वो भी प्रो लोगों को, सिर्फ मेरे से ही पैसा चार्ज कर रहे हो। उन लोगों को बोले देख तू नाम मत डालना, नहीं तो जुनैद बोलेगा उनको। पीछे एक पार्टी लगा के घूमता हूँ, पीछे एक क्विकली दो, उसके पीछे लिखता हूँ कि भाई फ्री सर्विस आ जाओ। भाई देखो पहला सब्सक्रिप्शन मैं लूँगा साल भर का। नीरज सवाल अच्छे किया कर, ही इज़ वेरी एक्सपेंसिव ट्रेनर, डोंट वेट इज वेस्ट इज टाइम। बेटा गुजराती में एक कहावत है, ना बोलवा में 100 गुण, यानी कि नहीं बोलने में 100 फायदे। इसके लोग बोलते नहीं, खाली ऐसे करते, जो समझा वो समझा, जो नहीं समझा वो हमजा। सर नहीं क्या करना है? सबसे सागर सर सबसे फनी मोमेंट बता दो। मैं और नीरज उस दिन खड़े थे, तुमको मैं बोला सर और तुम चले गए। मैं क्या बोल के गए? हो गया बोले, नहीं हुआ बोले, आता हूँ बोले। हम लोग इंतजार करें कि भाई कब आते। अच्छा जब तुम ऐसा बोलते हो तो तुम कुछ तो बोलते हो ना दिल में? तुम भी बोले सोचते रहे गांडू मैं आ रहा हूं। ये एल्बो पर सागर सर, लेकिन जो कल तुमने लेग वर्कआउट करा है ना, आधा गया पूरा कोर्स तो करवा दिए तुमने, फाड़ दिए सर। ठीक है मैं कोशिश करूंगा अगले बार पौना करने की, फिर उसके अगले बार पूरा करने की, बस जो जीजा जी बोलेंगे मैं वही करूंगा। सागर सर बोला एक बात बताओ, अगर किसी इंसान को बाइसेप बड़ा करने तो वीक में कितनी बार ट्रेन करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? दो बार बाइसेप इंडिविजुअल या फिर कोई मसल के साथ? इंडिविजुअल यानी कि दो दिन बाइसेप को देने पड़ेंगे। और कितने सेट? डिपेंड करता है, फिर भी एवरेज 4 वेरिएशन। और ये बिगनर के लिए भी है कि सिर्फ एडवांस के लिए? 2 दिन बिगनर के लिए, 1 दिन बस। बिगनर के लिए 1 दिन बस। और बीच वाले जो रहते हैं मॉडरेट ट्रेनिंग वाले? 2 दिन 2 दिन। और एडवांस के लिए? 2 दिन। इसका मतलब मेरे भाई से अच्छे क्योंकि मुझे 1 ही दिन ट्रेन करने मिलता। मैं तो ये देख रहा था कि मेरे कितने अच्छे हैं, डायरेक्ट पूछता तो तारीफ नहीं मिलती ना, बोलते हाँ काम करना बाकी है, तो मैं थोड़ा घुमा के पूछा। इसमें क्या फायदा आप लोगों का भी हो जाता
कि सागर सर के क्या भी, और मुझे पता चल रहा है मेरे अच्छे इसके लिए एक दिन मिल रहा है मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू मंडल, तुमसे आभारी है। बढ़ाऊं? आता गए डंबल डंबल चुकी जाली, क्या बोलते हैं चुकी जाली। मेरी हिम्मत है कुछ मैं बोल सकता हूं? क्या सोच रहे हो सर, WWE खिलाने का प्लान है क्या? देखो बोले मेंस फिजिक में तो कुछ हो रहा नहीं इसका, WWE खिला देता हूँ। वहाँ देख रहे बोले एड़ी खोपड़ी के किसी को तो तोड़ के ही आएगा। सोचना और फिर बोलना। मैं अभी दो चीज़ों के बीच में कंफ्यूज हूँ, एक तो अपनी चल रही ऑफ सीजन और इम्प्रूवमेंट हर वीक दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? हाँ हाँ बोले ना, सच्ची बोलना, हाँ बोले ना, दिख रहा है। लेकिन अभी क्या है ना, मन में लड्डू फूटा, शो की लिस्ट आउट हुई। जैसे आपने लास्ट टाइम मेरे को बोला 12 हफ्ते में रेडी हो जाता था, और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई। तब दो चीज़ के बीच में कन्फ्यूज़ हूँ, एक कन्फ्यूजन ये है कि कॉन्टेस्ट पर अब चालू कर दूँ, और दूसरा कन्फ्यूजन ये है कि अच्छा ऑफ सीज़न लूँ और थोड़ा काम धंधे पे ध्यान दे दूँ, और फिर मे बी ईयर एंड में या नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में एक शो खेलूँ। तो मैं कन्फ्यूज़ हूँ, दोनों दिल कर रहे हैं, एक दिल ये भी कर रहा है, एक दिल वो भी कर रहा है, अब दिल है कि मानता नहीं। आपको क्या लगता है? और इससे पहले मैं बताऊँ सागर सर को क्या लगता है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसमें मेरा साथ दो। मुझे बताओ कि मुझे आप लोगों के हिसाब से क्या करना चाहिए, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना कि आप लोगों के सजेशन भी बहुत मैटर करते हैं, बिकॉज हम लोग तो एक ही टीम में, आप भी टीम में हो, लेकिन बाहर वाला इंसान जो देखता है वो हम शायद नहीं देख पाते, है कि नहीं सागर सर? तो आप लोग भी अपना सजेशन कमेंट में देना। और सागर सर आपको क्या लगता है, अभी बताओगे, सोच के बताओगे? कैमरे में नहीं बताते भाई, बहुत शाणे है। लेकिन आप लोग, हाँ पहले पब्लिक ओपिनियन है, ठीक है, तो ये वीडियो में देखते हैं किसका क्या ओपिनियन है। और सुनो भाई यार, आंसर देना जो पूछा उसका, बकचोदी मत पेलना, ठीक है? हाँ नहीं तो ये करो वो करो, जॉयज फरा और सागर माली बनने की कोशिश मत करना, जो पूछा उसका जवाब देना, अगर दे सकते हो, इज्जत दिए तो इज्जत ले लो, ठीक है? और सागर भाई का क्या जवाब है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, जो आएगी नेक्स्ट मंडे को। जी सर, विथ प्रूफ। सोचो जरा भैया, आज के समाचार को यही बस समाप्त करने पड़ेंगे, बिकॉज आज का वर्कआउट हुआ बहुत अच्छा, बहुत दिन बाद वो फील आई कि सेंडो में वर्कआउट करके भी थोड़ा अच्छा लगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और बहुत जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली। जय हिंद। We'll be right back.
Oh, 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 oh,